एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संजीता गुजरी ब्लॉग में। तो आज है फ्राइडे और मेरा फास्ट है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं फ्राइडे को फास्ट रखती हूँ वैभव लक्ष्मी का, तो इसी वजह से मैंने आज रेड सूट पहना है। और ये जो दुपट्टा है ये मेरा न्यू ही है, नया है, और ये मैं आज दूसरी बार ओढ़ा है मैंने ये, क्योंकि एक बार मैं कीर्तन में गई थी पास में ही, तो तब ओढ़ के गई थी और मुझे अच्छा लगा, तो इस सूट के साथ मैंने ये दुपट्टा डाल लिया। बस अभी चाय पी है और सारा काम जो मॉर्निंग का होता है सब फिनिश हो चुका है, और उस कमरे में चल रही है इनकी मीटिंग। आज मीटिंग है इनकी, मैं इसलिए मैं धीमे धीमे बोल रही हूँ। तो ये रात को ही ले आए थे सारे फ्रूट, एप्पल लेके आए थे और कुछ बनाना लेके आए हैं। तो ये एप्पल बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे देखने में ही, आप देख सकते हो कैसे लग रहे हैं, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मैं इस व्रत में पहले केला भी खा लेती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मना किया है कि इस व्रत में केला नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने एक एप्पल काट लिया है अपने लिए। और भाभी पे था कैमरा, तो मैं भाभी से बोल रही थी कि डैडी की कुछ क्लिप ले ले, क्योंकि ये जब ऑफिस जाते हैं तो चेरी के साथ ज़रूर खेलते हैं, और यहाँ पे ये गुस्सा है तो गुस्से में हमारी तरफ ये देख रहे हैं, और बस यहाँ पे मेरी और इनकी लड़ाई हो रही है, देख लीजिए आप सब भी ऑन कैमरा। तो मैं इनको एप्पल दिखा रही थी, कह रही थी व्रत में एक एप्पल ही होता है जो मैं खा लेती हूँ, लेकिन वो भी बिल्कुल मीठा नहीं है, बिल्कुल टेस्टी नहीं है। तो ये कह रहे हैं इसमें शक्कर डाल लें, बूरा डाल लें, तो वही बातें चल रही हैं हमारी यहाँ पर। और पता नहीं आज इनका कुछ ऑफिस में पता नहीं क्या घोटाला हो गया, उसी बात को लेकर इनका मूड ख़राब था। और बस जब इनका मूड ख़राब होता है तो हमारे साथ भी ये कुछ ऐसे ही हो जाते हैं, और मैं इनके साथ कुछ मजाक मस्ती कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी ये स्माइल करें, लेकिन ये बिल्कुल भी स्माइल नहीं करते हैं जिस टाइम ये गुस्से में होते हैं। तो बस फिर ये ऑफिस चले गए थे, उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी, उसके बाद मैंने डायरेक्ट शाम को ही क्लिप बनाई है। Bye. तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मुझे करनी है पूजा, क्योंकि वैभव लक्ष्मी में 4 से 6 बजे के बीच ही पूजा होती है। तो अभी मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि गर्मियों में मैं दोनों टाइम ही पोछा लगाती हूँ, सुबह भी शाम भी, और घर एकदम क्लीन रहता है। तो अब मैं मॉप लेके आ गई हूँ, पहले मैं वैसे लगाती थी, लेकिन अभी मैं मॉप लेके आ गई हूँ तो बहुत अच्छे से पोछा लगता है। और इस पोछे को पीहू भाभी दोनों ही लगा लेती है, जैसे मैं नहीं होती हूँ या फिर कहीं चली जाती हूँ तो वो दोनों लगा लेती है, और बहुत आसान काम हो गए हैं इससे हम लोगों के। तो बस पोछा लगाने के बाद मैं हाथ मुँह धो के आ गई हूँ, और अभी फटाफट से मैं करूँगी पूजा की तैयारी। Hey!
लौकी मैंने लगा दी है, अभी फटाफट से बना लूँगी प्रसाद। और प्रसाद में मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी, क्योंकि बच्चों को प्रसाद में पंजीरी बहुत पसंद है। कभी कभी खीर बना लेती हूँ, लेकिन बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं खीर, और पंजीरी बहुत पसंद आती है इनको, तो मैं ज़्यादातर पंजीरी ही बनाती हूँ इस व्रत में। तो अच्छे से मैंने आटा भून लिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल लिया था, और अभी थोड़ी सी चीनी और कुछ केले काट के डाल लूँगी, क्योंकि इसमें केले का ही प्रसाद लगता है। तो बस अभी प्रसाद तैयार हो चुका है, अभी फटाफट से मैं कर लूँगी पूजा। तो ये देखिए बहुत टेस्टी लगती है, भाभी तो इसको दही में डाल के खाती है, वो तो ऐसे ही खाती है, तो उसको बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी फटाफट से मैं कर लूँगी पूजा, क्योंकि 5:30 का टाइम हो चुका था। जागृत होती थी, क्योंकि अभिलाषा का कोई अंत नहीं है, परंतु मानव जीवन की एक सीमा है। लाखों करोड़ों के फेर में मनुष्य यह भूल जाता है कि यह द्वार से मृत्यु के द्वार तक ले जा रहा है। जो तेरे हो रहे हैं बीट, तेरे में फूल हो रहे हैं, हाँ दे हो रहे, दे हाँ ये हो रहे। चलो तो पूजा हो चुकी है मेरी, और अभी मुझे लग रही थी बहुत जोरों की भूख, क्योंकि व्रत में मैं ज़्यादा नहीं कुछ खाती हूँ, चाय या फिर कुछ फ्रूट ले लेती हूँ। तो अभी मैं फटाफट से बनाने जा रही हूँ अपने लिए आलू के पराठे, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने सब्जी बना दी थी, तो वो सब्जी बची हुई थी, तो सोचा चलो पराठे ही बना लेती हूँ, ये लोग भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो बच्चों ने तो अभी मना कर दिया है, इसलिए मैंने 3 आलू लिए हैं अपने लिए, बच्चे बाद में ही खाएंगे, तो सिर्फ अपने लिए ही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे आ गई थी पीहू, पीहू को दिख गया था एक मंकी, तो उसको बनाना डालना था उसके लिए, तो मेरे से पूछ रही थी कि मम्मी उसके लिए या तो वो भी बना दो या फिर मैं बनाना डाल दूँ, तो फिर मैंने उसको बनाना दे दिया। और ये देखिए कितने उसे खा रहा है, क्योंकि बहुत भूखा था ये बेचारा। बस मैंने अपना खाना खा लिया है और बच्चे नहीं खा रहे हैं अभी, क्योंकि 7 बज रहे हैं और फ्राइडे के दिन मैं जल्दी ही खाना खा लेती हूँ, तो बच्चों को उस टाइम नहीं भूख लगती है, क्योंकि ये लोग लेट खाते हैं, तो इनके लिए जब भी बनाऊँगी तब ये लोग खाएंगे। और ये देखिए चेरी की करामात है, ये चेरी ने यहाँ पे पंजे मारे हैं। आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, आज कोई ब्लॉग नहीं गया, ब्लॉग तो बना हुआ था लेकिन उसकी एडिटिंग नहीं हो पाई, बस आज एक छोटी सी बात को लेके हमारा झगड़ा हो गया, इनका थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था आज ऑफिस की बात को लेके। और चेरू चेरू चेरी, नो 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 नो, गंदी बात, नो गंदी बात। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट याद जरूर करके जाया करो, कमेंट अच्छे लगते हैं आप सबके, और मैं रिप्लाई भी जरूर करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। देखिए टीका, 2 बार टीका लगा है आज, पहले लगाया तो मुझे लगा शायद नहीं लगा, और फिर मैंने दोबारा से भी लगा लिया, तो और बिंदी मेरी छोटी लगी हुई है, दो दिख नहीं रही है टीके में। तो चलिए ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।